आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशी आलोक न्यूज। बिहार के अररिया जिले के कुर्साकांटा पुलिस ने आपराधिक घटना को अंजाम देने जा रहे तीन युवकों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक पिस्टल और तीन गोली बरामद हुई है। इस बारे में जानकारी देते हुए अररिया SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि कुर्साकांटा पुलिस को सूचना मिली थी कि आपराधिक किस्म के तीन युवक किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद कुर्साकांटा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसे देखकर तीनों युवक भागने लगे। पुलिस के द्वारा खदेड़ कर तीनों युवक को पकड़ लिया गया, जिसके पास से एक पिस्टल व तीन गोली बरामद हुई है। तीनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार युवक में दो कुर्साकांटा के कमलधर का रहने वाला है, जबकि एक युवक वैशाली का रहने वाला है, जिसके पास से हथियार बरामद हुए हैं। उक्त युवक पहले भी जेल जा चुका है। SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि यह युवक वैशाली से किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए अररिया पहुंचा था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से इसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र में वो कब्रिस्तान के पास जहुआवाड़ी में सूचना मिली थी कि दो तीन आपराधिक किस्म का व्यक्ति है जो झगड़ा झंझट कर रहा है लोगों से, स्थानीय लोगों से। इसी सूचना के सत्यापन पर शिव नारायण यादव, जो प्रभारी SHO कुर्साकांटा के थे, तत्क्षण उनको प्रस्थान कराया गया वहाँ, और वहाँ पर पुलिस पार्टी को देख के तीन व्यक्ति भागने लगे। तीनों को खदेड़ कर पकड़ा गया, तो तीनों में दो आपको कमलदाहा के रहने वाले थे कुर्साकांटा थाना अंतर्गत, और एक जो है वो आपको वैशाली जिला महनार का रहने वाला था, कमलदाहा का रहने वाला था असलम मल्लम हुसैन और अबरार, और जो वैशाली जिला का था वो समीर उर्फ इमरान रहने वाला था। ये तीनों के पास से जो है एक पिस्टल लोडेड बरामद हुआ है, जिसमें तीन गोली है, तीन गोली भी बरामद हुआ है, और मोबाइल फोन था और अन्य सामान था। तो ये लोग लगता है कि कहीं ना कहीं बाहर से वैशाली से अपराध करने के लिए आए थे, जो कि रंगे हाथ पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। पुराना इतिहास भी रहा है सर? हाँ, इस लोगों का तो एक जेल से ही छूटा है, हाजीपुर जेल से, लेकिन अब किस केस में जेल में गया था और उसके बारे में पता लगाया जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज़।